हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, वो भी प्रिंटर और साइबर कैफ में जैसे स्कैन होता है उस तरह। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पे वीडियो अच्छा लगा तो उस पर को लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं सर। तो चलिए एडोब स्कैन नाम का एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये 2 से 3 MB का है, इसको डाउनलोड करने देखिए हम डाउनलोड किए हुए हैं, तो सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए फ़ोटो खींच के स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने इसको स्कैन करना है, तो ये स्कैन करके देखिए ये हो गया आ गया है और इसको हमको स्कैन करना है, तो ये हो गया। अब इसको हम चाहेंगे तो अपने PDF फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको साइज अगर हम साइज इसका रिड्यूज करना चाहते हैं तो इसको साइज भी हम रिड्यूज कर सकते हैं। इससे देखिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया है और साइज रिड्यूज हो रहा है दोस्तों। तो ये हो गया, हम इसको ऐसे इसको मतलब चेंज भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और सिंपली अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको अगर PDF में तो सेव PDF का ऑप्शन दे रहा है, आप सेव इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी फाइल को किसी भी फ़ोटो वोटो को जैसे स्कैन करना है तो वो भी चुन सकते हैं। जैसे मानिए हमारे पास ये फ़ोटो है, इसको हम स्कैन करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। सिलेक्ट के बटन पे जाना है और इसको सिलेक्ट करना है, आ गया। देखिए ये हमारा स्कैन हो जाएगा। स्कैन करने के बाद अगर इसको हम चाहेंगे सेव करना तो सेव PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप सिंपली इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज जो होगा वो भी रिड्यूज हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी 1 MB का होगा तो वो आपको 100 KB तक कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं अपने से मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से तो आप फिलअप कर सकते हैं, और इसको PDF में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं। इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका साइज अगर रिड्यूज करना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं तो इसका साइज भी ऐसे ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमको साइज नहीं चेंज करना है। तो दोस्तों हमने अपने मोबाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हुए हैं इसे किए हुए हैं, और आप किसी भी फ़ोटो खींच के भी किसी भी डॉक्यूमेंट को उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे इसको अगर स्कैन करना चाहते हैं तो हम सिंपली इसको फ़ोटो खींचे और इसको स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ऐप है और स्कैन हो जाएगा। तो उसके बाद हम दिखा देते हैं अपने मोबाइल में जो हम स्कैन करके रखे हुए हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स को। ये सब दोस्तों हमने इसी से स्कैन किया है और हम आपको अपने दिखा रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन में जो हमने स्कैन करके रखे हुए हैं। देखिए हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का जो है डॉक्यूमेंट्स वो हमने स्कैन करके रखे हुए हैं इसी से। ये सब जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट स्कैन है ये सब हमने सिंपली इसी से स्कैन किए हैं। कमाल का स्कैनर ऐप है, आप अपने डॉक्यूमेंट को सभी को स्कैन करके सेफ रख सकते हैं। तो चलिए ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, आपको